हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सो आज के इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पार्ट की बात करेंगे क्या चीज रहेगी वो चीज रहेगी ट्रिक टू फाइंड क्यूब रूट क्लियर क्यूब रूट फाइंड करने की एक सिंपल ट्रिक अपन यहाँ पे बात करेंगे जिससे आप इजिली जो है बहुत ही कम सेकेंड्स में जो है आंसर यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं क्लियर तो चलिए ट्रिक की तरफ फोकस करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर क्लियर ट्रिक सीखने से पहले कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए उनके बारे में बात करते क्लियर तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन टू टेन क्यूब आपको याद होने चाहिए स्ट्रिक को अप्लाई करने के लिए क्लियर वन टू टेन बहुत ही सिंपल रहते हैं क्यूब्स याद करने के लिए डेफिनेटली आप सभी को याद होने चाहिए इसी के बेसिस पे जो है अपन सारे क्यूब रूट जो है फाइंड करेंगे क्लियर एक बार मैं आपको नोट डाउन करके बता देता हूँ क्या रहता है इनका क्यूब रूट क्लियर वन का क्यूब होता है वन टू का क्यूब होता है एट थ्री का क्यूब होता है ट्वेंटी सेवन फोर का क्यूब सिक्सटी फोर फाइव का क्यूबिस वन ट्वेंटी फाइव सिक्स इज टू वन सिक्स सेवन क्यूबे थ्री फोर्टी थ्री एट क्यूबे फाइव वन टू क्यूब क्यूब याद करना बहुत है। by heart आपको याद होना चाहिए तभी जो है आप इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे क्लियर वन टू टेन बहुत ईजिली आप याद कर सकते हो एक दिन के अंदर आप बहुत जल्दी से इसको याद कर सकते क्लियर अब जो ट्रिक है उसके लिए पैटर्न क्या फॉलो होगा क्लियर तो आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे अगर वन टू टेन के अंदर तो आप यहां पे देखेंगे कि वन का क्यूब जो है उसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रही है वन आ रही है जो टू है वहां पे एट आ रही है इसको सर्कल कर लेते हैं चेंज आ रही है थ्री वाले में क्या आ रही है सेवन आ रही है फोर में क्या आ रही है फोर आ रही है फाइव में अगेन फाइव सिक्स में सिक्स सेवन में आ रही थ्री एट में आ रही टू नाइन में आ रही नाइन एंड जीरो में आ रही है जीरो क्लियर तो आप यहाँ पे चेक करोगे और ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा टू के क्यूब के अंदर क्या वैल्यू आ रही है एट आ रही है थ्री के क्यूब में क्या वैल्यू आ रही है सेवन आ रही है और इसी का अपोजिट आप देखोगे तो सेवन के क्यूब में क्या वैल्यू आ, आ रही है लास्ट में एट थ्री आ रही है एंड एट के क्यूब में लास्ट में वैल्यू क्या आ रही है यूनिट डिजिट टू आ रही है तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे अपन एक चीज आपको याद रखने की ये हो गई अपोजिट जब भी यूनिट डिजिट के अंदर टू होगा दैट मीन्स एट लिखेंगे जब भी थ्री होगा दैट मीन्स सेवन लिखेंगे सेवन होगा तो थ्री लिखेंगे एट होगा तो टू लिखेंगे क्लियर बाकी सबका जो है सेम ही चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर के लिए फोर फाइव के लिए फाइव सिक्स के लिए सिक्स एंड नाइन के लिए नाइन क्लियर है ये चीज सभी को <coughs> ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए ट्रिक को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम सेकेंड में जो है इसके बेसिस पर अपन जो है आंसर डिसाइड कर सकते हैं क्लियर तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप सभी जानते हैं इसको मैंने स्क्रीन के थंबनेल के अंदर भी ऐड कर रखा है क्लियर तो इसको सॉल्व करते हैं

आपको चेक करना है ये जो थ्री डिजिट्स है ये किसके क्यूब्स के बीच में आ रहे हैं क्लियर वन फोर्टी है वन फोर्टी कहां आ सकता है यहां पे लाइक करेगा कहीं ना कहीं तो ये फाइव के क्यूब एंड सिक्स के क्यूब के बीच में लाए करेगा तो अपने को स्मॉलर वैल्यू की तरफ जा फोकस करना है देन यहाँ पे आंसर लिख देना है फिफ्टी टू फिफ्टी टू का क्यूब क्या होता है वन फोर जीरो सिक्स जीरो एट क्लियर वेरी सिंपल बहुत इजी तरीके से अपन ने फाइंड आउट करा है ये चीजें आपको बाय हार्ट जब याद होगी तो इजीली आप जो है डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं वापस से चेक करते हैं रूट के अंदर आपको वैल्यू गिवन है 6 आ रहा है दैट मींस लास्ट में आएगा मैंने आपको बताया था सिर्फ टू के अंदर एट आता है एट में टू आता है थ्री में सेवन आता है एंड सेवन में थ्री आता है क्लियर तो यहाँ पे सिक्स है सिक्स के लिए लास्ट में क्या आएगा सिक्स ही आएगा क्यूब फाइंड कर रहे हैं लास्ट की थ्री डिजिट को एलिमिनेट करना है हटा दीजिए जो आगे थ्री डिजिट बची है ये चेक करना है कि किसके क्यूब्स के बीच में लाई कर रही है क्लियर सिक्स थर्टी सिक्स आप देखोगे तो एट के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ पे अपन को स्मॉलर डिजिट लेना है तो यहां पे एट ले लेंगे तो आंसर आ गया अपना एटी सिक्स एटी सिक्स का क्यूब होता है सिक्स थर्टी सिक्स जीरो फाइव सिक्स क्लियर इज इट क्लियर बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है चलिए कुछ और क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्यूब रूट है आप सभी के सामने लास्ट में आ रहा है फोर फोर के अंदर क्या आता है फोर ही आता है क्यूब है लास्ट के थ्री डिजिट्स को हटा देते हैं फोर जीरो फाइव बचा अगेन फोर जीरो फाइव कहा लाई करेगा सेवन के क्यूब एंड एट के क्यूब के बीच में कहीं ना कहीं ये लाई करेगा तो यहां पे क्या लेंगे स्मॉलर वैल्यू लेंगे तो सेवन आंसर आ जाएगा क्लियर है सभी को ये चीज ओके okay. तो यहां पे आंसर रहेगा सेवेंटी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं लास्ट में आ रहा है टू टू के लिए अपन ने क्या देखा था एट आता है एट को नोट डाउन करेंगे यूनिट डिजिट की जगह क्यूब रूट है लास्ट की थ्री डिजिट एलिमिनेट करेंगे करेगा और के बीच में तो स्मॉलर वैल्यू को कंसिडर करते हैं तो आंसर आ जाएगा फिफ्टी एट क्लियर विद इन फाइव सेकेंड जो है आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं अगर आपको ये वैल्यूज पता हो तो क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है सेवन के केस में अपन ने देखा था आता है

लास्ट में क्या आएगा फोर आएगा थ्री डिजिट्स को एलिमिनेट कर देंगे लास्ट के एट थर्टी बच्चा एट थर्टी कहा लाए करेगा एट थर्टी लाए करेगा यहाँ पेन के बीच में एट थर्टी लाए करेगा नाइन एंड टेन के बीच में कहीं ना कहीं स्मॉलेस्ट स्मॉलर की तरफ जाते तो यहाँ पे नाइन को प्रेफर करेंगे तो नाइनटी फोर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं टू टू के लिए मैंने आपको बताया था टू के लास्ट में क्या आता है एट आता है तो एट को लिख देंगे थ्री डिजिट्स को एलिमिनेट कर देंगे बचा गया नाइन फोर्टी वन नाइन फोर्टी वन अगेन के क्यूब एंड टेन के क्यूब के बीच में तो यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू को प्रेफर करते हैं तो आंसर आ जाएगा नाइनटी एट क्लियर है ये चीज सभी को बहुत ही इजी मेथड है ये चीज करने का क्लियर सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे इनका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है ये बहुत ही सिंपल सिंप्लीफाइड वे के अंदर अपन ने सॉल्व करने की कोशिश करी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है पॉइंट टू रिमेंबर क्या है क्यूब्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए फ्रॉम वन टू टेन वन टू टेन क्यूब्स की वैल्यू याद होनी चाहिए इसके अलावा टू अगर लास्ट में दैट मीन्स एट आएगा एट लास्ट में दैट मीन्स टू आएगा थ्री लास्ट में दैट मीन्स सेवन आएगा सेवन लास्ट में दैट मीन्स थ्री आएगा ये इंटरचेंजेबल है बाकी आप सबको नोट करोगे तो फोर लास्ट में फोर ही है फाइव लास्ट में फाइव सिक्स लास्ट में सिक्स में में क्लियर? थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सभी को ये चीज समझ आई होगी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा आंसर इसके अलावा भी अगर आप कुछ वीडियोस चाहते हैं किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन उसको ट्राई करेंगे क्लियर सो थैंक यू एवरीवन